हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे आइडियाज शेयर करूंगी जो आपके घर में ऐसे ही पड़ा रहता है, यूज नहीं करते हैं। जैसे कि देख रहे हैं आप, मेरे पास एक टेडी बियर था, ये बहुत ही पुराना हो गया है, इस तरीके से चारों तरफ फट गया है। तो इसे ना हम फेंकने वाले थे, लेकिन फेंकेंगे नहीं। देखिए, ये जो ऊपर से खराब हुआ है, अंदर का कॉटन ठीक ठाक है। तो इसको मैं ना अच्छे से सारे इसके अंदर का कॉटन को निकाल लेंगे। तो इसके कॉटन देखिए, इस तरीके हमारे से घर घर जब में बच्चे होते हैं ना, इसे एक जगह पर स्थिर रहने नहीं देते हैं, इधर उधर फेंकते हैं। हम इसे बार बार धुलते हैं तो इसमें ना ये जो कॉटन है गांठे पड़ जाती है। तो इस तरीके से मैंने खोल दिए सारे गांठों को। और देखिए फ्रेंड, इस तरीके का जो शॉपिंग बैग है, हम सभी के घर में आते ही और इसका यूज हम नहीं करते हैं। तो इस तरीके से इसके अंदर मैंने शॉपिंग बैग के अंदर इस सारे कॉटन को डाल देंगे, और ऊपर का कपड़ा भी बहुत ही सॉफ्ट था तो इसको भी मैंने इसी के अंदर डाल दी। देखिए हमारा कितना सुंदर सा इस तरीके से एक कुशन बन के तैयार हो गया है। तो इसको मैंने इसके अंदर इस तरीके से डाल देंगे और इसको ना अच्छे से सेट कर देंगे ताकि ये खुले नहीं। तो इस तरीके से मैंने सेट कर दी हूँ। अब हम क्या करेंगे, सुई धागा लेंगे और अच्छे से ना यहाँ पे सिलाई कर देंगे। तो आप चाहे तो मशीन भी चला सकती है, लेकिन मैं यहाँ पे सुई धागा से हाथ से ही अच्छे से इसे अगर सिल आपके दूंगी। पास भी इस तरह का पुराना टेडी बियर पड़ा है जिसे आप फेंकने के बारे में सोच रहे हैं, तो उसे ना आप इस तरह से कुशन बना के रेडी कर सकते इसका हैं। इस यूज हो तरीके से जाता है, बेस्ट सामान से बहुत ही अच्छा ना कुशन बन गया है। तो इसी तरह का मैंने एक और बना के रखी हूँ। देखिए, इसी इसी पुराने टेडी बियर का है, तो इस तरीके से आप भी बना के यूज कर सकती है। आप कवर बनाएंगे तो उसके लिए यहाँ पे मैंने पुराना कपड़ा ली हूँ। इस तरीके से हम सभी के घर में कोई ना कोई कपड़ा ऐसे ही पड़ा होता है जिसका हम ना यूज करके बहुत ही सुंदर सुंदर सा कवर बना के तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने दोनों साइड से इस तरीके से ना फोल्ड कर दी हूँ। अब हमें इसे ट्रायंगल शेप में फोल्ड करना है इस तरीके से। तो दोनों साइड से इसी तरीके से मैंने ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर दूंगी। और फोल्ड करने के बाद हमें क्या करना है, इस दोनों कोन को यहाँ पे सेंटर पे लाके इस तरीके से। फ्रेंड देखिए, बीच में थोड़ी सी कपड़ा छोटी थी, मैंने यहाँ पे अच्छे से पकड़ी हूँ। तो इस तरीके से हमें दोनों कोन को एक साथ मिलाना है सेंटर पे, देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पे हम अच्छे से ना ये जो कोन है उसको हम ठीक कर देंगे, जो भी कपड़ा निकला है उसको। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने सेफ्टी पिन ली हूँ, इसको ना अच्छे से लगा देती हूँ। आप यहाँ पे बटन लगा दीजिएगा हाथों से। तो देखिए, आपको मैं ना बटन नहीं लगाऊंगी। यहाँ पे मेरे पास एक फ्लावर पड़ा था तो उसी को इसके ऊपर इस्तेमाल करूंगी। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे डबल सेलो टेप लगा के और इसके ऊपर मैंने लगा दी हूँ। देखिए कितने सुंदर बन के तैयार हो गई है, बिना किसी भी खर्च के, बाहर से कुछ भी नहीं लाना है। तो इस तरीके से अगर आपके पास भी पुराना कपड़ा है तो इसे आप बना के यूज कर सकती हैं। देखिए बहुत ही सुंदर दिखने में लग रहा है, तो आप भी इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तो आज मैं इसको एक कवर नई बनाना कला कैसे बताऊंगी। तो देखिए, यहाँ पे मैंने दूसरा फैब्रिक ले ली हूँ, इसको अच्छे से इस तरीके से बिछा लेना है। हम सभी के घर में एक पुराने ब्लाउज के पीस पड़ा होता है, साड़ी पहन लेते हैं और ये जो ब्लाउज का कपड़ा है ना ऐसे ही रह जाता है। तो इसका मैंने यहाँ पे इस्तेमाल की हूँ। तो इस तरीके से देखिए, इसे ना हल्का सा तिरछा रखी हूँ और दोनों साइड से इस तरीके से सेंटर में इसे रख के और फोल्ड करना है। और इसे ना अच्छे से क्रीच बैठाते हुए दोनों साइड से पकड़ना है और बीच में हमें नॉट लगा देना है इस तरीके से, और टाइट यहाँ पे नॉट लगाना है। देखिए फ्रेंड, चारों तरफ इसे ना ठीक कर दूंगी ताकि कहीं से इसका कोन जो अच्छी से बैठ जाए सारे कोन। अब हमें इसको ना अच्छे से फैलाते हुए बिल्कुल प्लेन रखना है, इसको ना अंदर के साइड इसे रोल राउंड राउंड घुमाना है। और देखिए, यहाँ पे हमारा ये जो कुशन बन के रेडी हो गया है। तो इस तरीके से बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा है, आप बना रख के सकती सकती हूँ। हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने तीसरा फैब्रिक ली हूँ, तो इसके बीच में मैंने यहाँ पे इस कुशन को रख दी हूँ। अब इसे ना दोनों साइड से फोल्ड करना है इस तरीके से। और इस तरह के कुशन कवर बनाना बहुत ही आसान है, जिनको बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती है वो भी इस कुशन कवर को बना के रेडी कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से सेंटर में इसे फोल्ड करती हूँ। अब यहाँ से अच्छे से टाइट करेंगे इस तरीके से। अब उसके बाद इधर से भी टाइट करेंगे। अब इसको ना हाफ से थोड़ा ज्यादा रखना है, इस तरीके से फोल्ड करना है। देखिए फ्रेंड,
हाफ फोल्ड नहीं करना है, हाफ से थोड़ा ज्यादा ही रखिएगा। और यहाँ पे मैंने एक बैंगल्स ली हूँ, इसको ना सेंटर में रख के इस तरीके से यहाँ पे रबर बैंड लगा के अच्छे से टाइट कर देना है इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे 2-3 राउंड आप इस तरीके से रबर बैंड को लगा दीजिए, और इसका जो कोन है नीचे की साइड आप खींच दीजिए ताकि ये बटरफ्लाई का शेप दिखे इस तरीके से ना, बिल्कुल बटरफ्लाई। तो यहाँ पे चौथा फैब्रिक ली हूँ, इस तरीके से इसे ना फोल्ड कर देना है बीच में यहाँ पे, और सेंटर में बैंगल्स लेना है, इसको इस तरीके से लगा देना है। और यहाँ पे मैंने रबर बैंड ली हूँ, इस तरीके से 2-3 राउंड इसको ना लगा के अच्छे से टाइट कर देती हूँ। अब ये जो है इस कपड़े को फैला देंगे, और यहाँ पे जहाँ पे मैंने सेंटर में इसको लगाई हूँ इस बैंगल्स को, इसके बीचों बीच हमें कुशन को रखना है। तो देखिए यहाँ पे कितना सुंदर सा ये डिजाइन बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अच्छे से इसके कुशन को रख दी हूँ, अब दोनों साइड से इस तरीके से हम फोल्ड कर देंगे ताकि, और इसे अच्छे से बैठाते हुए हम ना इसे फोल्ड कर देंगे। तो देखिए इसे हम ना ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर दिए हैं दोनों साइड से, मैंने इसी तरीके से इसको बना दूंगी। और देखिए इधर भी इसी तरीके से मैंने ट्रायंगल शेप ही बना दी हूँ, इस तरीके से दोनों साइड से खींच लेना है इस दोनों कोन को, और इसको ना अच्छे से बैठा देना है। अब यहाँ पे पिन लगा दीजिए, और अच्छे से ना ये बन के रेडी हो गया है हमारा कुशन। देखिए बहुत ही सुंदर सा फ्लावर बन के तैयार हो गया है। तो आपके घर में अगर मेहमान आते हैं या आपके पास कोई अच्छा सा कुशन कवर नहीं है, तो आप घर में पड़े बेकार कपड़ों से ना आप अच्छे अच्छे कुशन कवर बना के तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल भी हमें कुछ भी बाहर से लाना नहीं है, घर के सामान से मैंने इतना अच्छा अच्छा कुशन कवर बना के दिखा दी। तो इस तरीके से आप भी अपने घर में बना के यूज कर सकती हैं। इस तरीके से अगर हमें अर्जेंट में घर को डेकोरेट करना हो तो हम बिना एक पैसा खर्च किए बहुत हम भी अपने आसानी से डेकोरेट कर सकते हैं। तो हम सभी के पास ऐसे फैब्रिक होते हैं जिसका हम करते यूज हैं, करके तो उसको आप इस तरीके से अपने घर को अपने घर को अच्छा लगे डेकोरेट तो कर लाइक सकते करना और हैं। कमेंट कौन सा करके वाला मुझे आइडिया बताएं। अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।